नमस्कार। पब्लिक न्यूज टीवी के इस फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत है। पूरा देश इस समय कोरोना के कहर से परेशान है। मरीजों को बेड व ऑक्सीजन तक नहीं मिल पा रहा है। हर तरफ चीख पुकार मची हुई है। कोरोना की यह दूसरी लहर है। पहली लहर अचानक गायब हो गई, दूसरी लहर कब तक कहर बर पाएगी? आज हम इस बारे में इस फेसबुक लाइव पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस बार हम चिकित्सकों से नहीं बल्कि ज्योतिषियों से, देश के जाने माने ज्योतिषियों से हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उस पर ग्रहों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, और जो 9 ग्रह हैं वो अलग अलग तरीके से प्रभाव डालते हैं। उन्हीं ग्रहों की स्थिति के मुताबिक हमारी पूरा जो जीवन है वो हमारा पूरा जीवन चलता है, और इन्हीं ग्रहों पर हमारे जो देश का जीवन है वो भी चलता है। तो आज हम इस फेसबुक लाइव में हमारे साथ जुड़े हुए हैं देश के जाने माने ज्योतिषी, दो ज्योतिषी हैं जो आप, डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी, बहुत नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। देश के कई चैनलों पर लगातार आप इनको देखते होंगे, जो राशिफल भी बताते हैं और समय समय पर विभिन्न ग्रहों की स्थिति के बारे में भी ये चर्चा करते रहते हैं। और जो दूसरे हमारे ज्योतिषी जुड़े हुए हैं गोरखपुर से, वो है मिस्टर संतोष कुमार मंगल जी। ये भी बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, ज्योतिष पर इनकी बहुत ही जबरदस्त पकड़ है, और कोरोना को लेकर के इन्होंने कुछ रिसर्च किया हुआ है कि वो हम आज इस पर चर्चा करेंगे। और हम आज एक जानकारी आपको दे दें कि हम आज ये चर्चा क्यों कर रहे हैं। आज से कुछ ग्रहों का परिवर्तन हुआ है। हमारे ज्योतिष मित्रों से इस पर चर्चा हो रही थी, वो लोग बता रहे थे कि इसका आज से जो ग्रहों का परिवर्तन हुआ है उसका इस कोरोना के खात्मे की दिशा में भी एक कदम आज से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम चर्चा में शामिल करते हैं डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी को। डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी, आज बुध का परिवर्तन हुआ है, और पिछली बार जब कोविड आया था, आप सभी को पता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से कोविड आया और कोविड अचानक चला गया, मतलब कुछ ग्रहों का ही प्रभाव था जिसकी वजह से अचानक चला गया, और फिर अचानक मार्च के महीने से फिर से तेजी से जो अप्रैल में पूरा एक भयावह रूप ले चुका है। तो क्या अब ये कहां तक जाएगा, ये कितना कहर बर पाएगा, या लोगों के लिए एज ए ज्योतिषी कोई राहत की बात है? अभी आज से कुछ शुरू हो रही है। देखिए, देखिए जी, कहते हैं कि ग्रहम राज्यम अच्छत ग्रहम राज्यम हरते। ग्रहों की बड़ी भूमिका होती है जीवन में, और छोटी छोटी जो घटनाएं घटती हैं उसमें ग्रहों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसके पहले जरा मैं आपको थोड़ा सा ये ब्रीफ कर दूं कि यह जो इस साल का जो संबत है, इस संबत का राजा मंगल है और मंत्री भी मंगल है, और इसमें कई विभिन्न प्रकार के योग बन रहे हैं। एक तो आपका बुध आदित्य योग बन रहा है, सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है, सर्वार्थ अमृत योग बन रहा है, सूर्य योग बन रहा है, और अंगारक योग बन रहा है। ये सारे योग बड़े महत्वपूर्ण है। इस योग में यह होता है कि दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि 13 जो अप्रैल को जिस बार नवरात्र का जो पहला दिन था, उसमें कहते हैं कि माता जी आती हैं अमूमन शेर पर, उनकी सवारी होती है शेर, लेकिन इस बार उन्होंने अश्व पर आई हैं और नर वाहन पर उनकी विदाई हुई है। तो एक तो यह राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं है। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, किंतु भारत इन सब चुनौतियों को स्वीकार करते हुए बहुत आगे बढ़ेगा, और कोरोना नामक बीमारी पर उसका बहुत जबरदस्त नियंत्रण होगा, और वह नियंत्रण होने की दिशा में काफी एफर्ट करेगा, और पूरे विश्व में इसके लोग लोहा मानेंगे, और भारत सफल रहेगा कोरोना में को पराजित करने में। अब आपको दो तीन चीज और मैं बताऊंगा कि आज जो 1 मई 2021 को बुध आ गया राहु के साथ, और अंगारक योग में मंगल आ गया मिथुन राशि में जी। तो जब बुध कोई भी शुभ ग्रह होता है तो उसकी भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो यह जो अभी इसकी जो लहर है,
कम से कम 20 अप्रैल के बाद 20 मई के बाद से स्थितियां थोड़ी कंट्रोल में आएंगी और धीरे धीरे कोरोना का समापन होगा। तो 20 मई से 20 जून के बीच में कोरोना का जो लहर है समाप्त हो जाएगा और 27 जून के बाद से स्थितियां नियंत्रण में रहेंगे। दूसरी बात कि सूर्य शुक्र लग्न में है, बुध और आपका राहु है, तीसरे भाव में मंगल है और धनु राशि का चंद्रमा मकर का शनि है। तो दशम भाव में जब मकर का शनि होता है तो कहते हैं कि न्याय का देवता मानते हैं। तीन ग्रहों पर काफी कंट्रोल रहेगा और जो रोग व्याधि देख रहे इस पर कंट्रोल रहेगा और हर दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। अब आपको हम बता दें कि पूरे भारत की क्या भूमिका होगी। एक तो आर्थिक दृष्टिकोण से भारत कंट्रोल करने में सफल रहेगा, इसमें आयुध उत्पाद की खोज करेगा, शेयर का रेट घटेगा, सोने का रेट घटेगा, चांदी का रेट घटेगा, क्रूड ऑयल का रेट घटेगा। तो भारत की भूमिका इसमें बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी और जो चुनौती है भारत स्वीकार करते हुए इस पर कंट्रोल करके विश्व में इसकी बड़ी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। जी जी बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ी सुखद जानकारी आपने दी कि कोरोना पर जल्द ही कंट्रोल होगा। अब हम संतोष कुमार मंगल जी, आपका क्या प्रोडक्शन है, आप किस नजर से देखते हैं कि क्या ये जो बुध का परिवर्तन है और जो 5 तारीख से शुक्र का परिवर्तन हो रहा है उसका इस कोविड के नियंत्रण पर कितना असरकारी होगा? जी जैसे पहले आवाज नहीं आ रही है। जी जैसे पहले भी हम लोग एक बार चर्चा कर चुके हैं जी, भारत की कुंडली जो है वृष लग्न की है और लग्नेश शुक्र अस्त चल रहा था, 14 फरवरी से ही शुक्र अस्त चल रहा था। इसके साथ ही साथ मंगल और राहु का योग अंगार योग चल रहा था। ये योग जो है जिसका जिक्र भी डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी कर रहे थे। जी 22 फरवरी से मंगल और राहु का अंगार योग शुरू हुआ था लग्न में ही और लग्नेश भी अस्त चल रहा था। तो इस वजह से इस प्रकोप का प्रभाव जो है फरवरी से ही शुरू हो गया, फरवरी मार्च और अप्रैल में काफी बढ़ गया। अब जो स्थिति दिखाई दे रही है, अभी बुध का परिवर्तन हुआ है, आज बुध वृष राशि में प्रवेश किया है। इसके बाद से सूर्य जो शुक्र जो अस्त था वो भी शुक्र का उदय भी हो गया है और 5 तारीख से शुक्र भी वृष राशि में प्रवेश कर जाएगा। तो दो शुभ ग्रह बुध और शुक्र दोनों जो है लग्न में, भारत के लग्न में उपस्थित रहेंगे तो यह बहुत प्रभावकारी कहा जाएगा और इस बीमारी से या यह जो महामारी है इससे बहुत राहत मिलेगी। इसके साथ ही साथ सूर्य चतुर्थेश है, चतुर्थ का कारक है, भारत की कुंडली के चतुर्थ का कारक ग्रह सूर्य है, वो अभी द्वादश स्थान में चल रहा। यह एक दुर्भाग्य की बात थी कि शुक्र भी द्वादश स्थान में जाके अस्त चल रहा था, बुध भी द्वादश स्थान में था, नीच का था, बुध सबसे योगकारक होकर के नीचस्थ स्थिति में था, फिर उसके बाद से द्वादश में चल रहा था। तो सारी कई ग्रहों का कॉम्बिनेशन जो था वो बहुत खराब था, गड़बड़ चल रहा था। अब धीरे धीरे ग्रहों का पोजीशन जो है परिवर्तन हो रहा है, बुध जो है वृष राशि में प्रवेश किया है, लग्न में प्रवेश किया है, शुक्र भी 5 तारीख को लग्न में प्रवेश कर जाएगा। तो शुक्र और बुध का योग जो है लग्न में होगा ये काफी प्रभावकारी होगा और इससे बीमारी में निश्चित रूप से राहत मिलेगी। इसके साथ साथ सूर्य का भी परिवर्तन होगा, 15 मई को सूर्य जो है वृष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब इसमें एक बाधा ये दिखाई दे रही है कि सूर्य के साथ फिर राहु का योग बनेगा। तो सूर्य के साथ राहु का योग बनने से जो है फिर थोड़ी सी स्थिति खराब होगी, लेकिन इसके साथ जैसे जैसे सूर्य राहु से दूर होते जाएंगे, सूर्य और राहु की डिग्री बढ़ती जाएगी, सूर्य का परिवर्तन होता जाएगा, आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे स्थिति में कंट्रोल हो जाएगी और इस बीमारी से हम लोग निजात पा लेंगे। जी 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 अरविंद जी, एक आपको ध्यान अगर मैं दिलाऊं कि 1919 में भारत में एक फ्लू आया था जिसका नाम था स्पेनिश फ्लू जी, और ठीक सौ साल बाद 2019 में जो है एक इतनी बड़ी बीमारी आई, ये तबाही लेकर के आया। तो 2019 की तो तबाही कम थी, 2020 में इसकी तबाही ज्यादा हुई, थोड़ा हुई, लेकिन 2021 की जो शुरुआत रही वो बहुत बड़ी तबाही लेकर के आया है और बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनके परिवार जनी या जानने वालों में से कोई ना कोई इस धरती को छोड़ के ना गया हो।
तो ये बहुत ही चिंताजनक है। सरकार भी इसको लेकर के चिंता में है और सरकार चूंकि गरीबों को भी बचाना चाहती है, काम को भी बंद नहीं करना चाहती है, इस वजह से लॉकडाउन भी नहीं लगा रही है। तो इसका आखिर क्या, ये क्यों 100 साल बाद ऐसा एक कौन सी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई जिसकी वजह से 100 साल बाद ये इस तरह का प्रकोप धरती पर आया है, भारत में आया या पूरी दुनिया में आया? स्पेनिश फ्लू भी पूरी दुनिया में था और ये जो फ्लू है कोरोना कोविड-19 ये भी पूरी दुनिया में है। आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति हुई जिससे पूरी दुनिया को एक साथ अपने कब्जे में लिया? देखिए देखिए जी, ये जो कुंडली है ना, 12 घर होता है, तो 12 घरों में जो कॉम्बिनेशन होता है, जैसे सूर्य है एक राशि पर एक माह रहता है, चंद्रमा एक राशि पर 2.5 दिन रहता है, मंगल एक राशि पर 45 दिन, शुक्र 1 महीना, बुध 1 महीना, बृहस्पति 1 साल और शनि 30 महीना रहता है, राहु 18 महीना रहता है, केतु 18 महीना रहता है। अगर इनका परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखा जाए तो 144 ईयर्स के बाद व्यापक परिवर्तन आता है या 100 ईयर्स में काफी परिवर्तन आता है। तो उसमें जो ग्रहों की कॉम्बिनेशन होती है उसके हिसाब से रोग और व्याधि ये सब चीजें बढ़ती रहती हैं। तो उस समय जब 2020 का जो ग्रह स्थिति थी वह उसी की तरह से थी। और ये जो मंगल है, मंगल जो इस वर्ष का राजा है और मंत्री भी इस वर्ष का राजा है, तो मंगल खास तौर से ग्रहों का सेनापति भी मानते हैं और ये रूलिंग प्लेनेट है और ये क्रूर ग्रह है, पापक ग्रह है। और जब ये जैसे ही शुरुआत हुई है नए वर्ष की, तो अंगारक योग के साथ आया और अंगारक योग के साथ क्या होता है कि इसमें तमाम उथल पुथल होते हैं, तमाम तरह की बीमारियां होती हैं, विषाणु जनित बीमारी होती है, तमाम ऐसी चीजें होते हैं जैसे भूस्खलन है, समुद्री तूफान है, दुर्घटनाएं हैं, आगजनी राजनी, ये सब चीजें बढ़ती है। मंगल खास तौर से अपना काम करता है, तो ये जो मंगल का बेसिकली या कैरेक्टरिस्टिक है, तो मंगल के हिसाब से आया जो करीब 100 वर्षों बाद यह स्थिति बन रही है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब साल की शुरुआत हुई तो जो बुधादित्य योग है एक प्रकार का बहुत बड़ा शुभ योग होता है, तो देश के लिए चुनौती तो होगी लेकिन यह सब चीजें आप कंट्रोल करने में सफल रहेंगे। वही जो सर्वार्थ सिद्ध अमृत योग बन रहा है, यह बहुत बड़ा राजयोग बनता है, बहुत बड़ा योग बनता है जिसमें भारत के सामने लगेगा कि चारों तरफ से आपके तमाम चुनौतियां हैं, खतरे ही खतरे हैं, लेकिन लगेगा कि इसके बाल बाल आपको कोई प्राकृतिक चीजें या आध्यात्मिक पावर या आध्यात्मिक शक्तियां आपको बचा लेंगी। वही आपका सूर्य योग बन रहा है, सूर्य योग भी बहुत महत्वपूर्ण योग होता है, जो प्रकृति का आत्मा है उसके नाते भी यह पूरे प्रकृति का कल्याण होगा। तो मिला जुला करके देखा जाए जो 100 वर्ष की बात आप कर रहे हैं उसी तरह की चीजें इस बार भी आई है। तो आप अगर देखेंगे ग्रहों के हिसाब से तो इस समय बृहस्पति कुंभ में आ गया जो मार्च में आया है और ये रहेगा अक्टूबर नवंबर तक। तो बीच में जो आप देखेंगे 27 मई की बात से स्थिति अपने आप नियंत्रण में आएगी, जून तक लगेगा कि कोरोना था ही नहीं, आम जनजीवन एकदम बढ़िया सुचारू रूप से चलेगा, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा और गाड़ी एकदम लाइन पर आ जाएगी जैसे पिछली बार हुआ था, आपने देखा था अचानक हुआ खत्म हुआ। तो इसमें एक प्रकार का आप ये समझिए कि ग्रहों के प्रभाव के नाते है, तो इसमें पॉजिटिव होने की जरूरत है, पॉजिटिव सोचने की जरूरत है। और कई बार क्या होता है कि जब इस तरह की चीजें होती तो भगवत भजन करना चाहिए, हवन इत्यादि करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, जब तब करना चाहिए। इसमें आज के महत्वपूर्ण देवता श्री हनुमान जी हैं, दुर्गा जी हैं, अगर इनके नाम पर हवन करा जाए, जप किया जाए, तो बहुत सारी चीजों पर आपको काफी सुधार हो सकता है। कई बार लोग ईश्वर में उनकी आस्था नहीं होती है, तो नेचर इज गॉड, प्रकृति ही ईश्वर है, तो प्रकृति को मान करके सबसे जीता जागता इस आपको देखता सूर्य है, चंद्रमा है, इन्हीं को आप भगवान मान लीजिए, तो इनका जलाभिषेक करें, पूजा करें, तो इससे भी सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। तो हम आपको देवकी जी जरूर इस बात को बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि यह बीमारी हटेगी, इसका बहुत दिन इसका भविष्य नहीं है, यह मुश्किल से 20 से 28 दिन तक ही है, इसके बाद धीरे धीरे चीजें एकदम सुचारू रूप से जीवन ठीक होगा। जी देवकी जी, नहीं बीमारी तो हटेगी ही हटेगी, क्योंकि ये माना जाता है कि आज अच्छे खराब दिन है तो कल अच्छे दिन आएंगे ही आएंगे। ये जी कोविड जब 2019 में आया और 2020 में कब चला गया ये लोग समझ भी नहीं पाए कि और कैसे चला गया, कहां चला गया, ये लोग समझ भी नहीं पाए। अब देखिए आपको तौर पर इसमें कोई रोग रहा होगा जिसकी वजह से ऐसा हुआ होगा और फिर कुछ ग्रह प्रतिकूल हो गए जिसकी वजह से फिर कोविड दोबारा आ गया। तो निश्चित तौर पे जब ग्रहों की स्थिति
की होगी, जैसा आप बता रहे हैं कि 1 मार्च से इसकी शुरुआत हो चुकी है और 5 मार्च से, संतोष जी जैसा आप बता रहे थे कि 5 मार्च से इसकी शुरुआत विधिवत हो जाएगी, आखिर आप क्या लगा जी? मैंने देखी जी 20 मई का, देखी जी मैंने 20 मई की कुंडली बनाई, 20 मई के बाद के, तो जो 20 मई के बाद की कुंडली है उसमें वृष लग्न का सूर्य राहु बुध शुक्र, मतलब समझिए कि शुभग्रह आपका बुध हो गया, शुक्र हो गया और पापग्रह सूर्य राहु हो गया, तो कहते हैं कि ये ग्रहण योग बन गया, लेकिन शुक्र वही इनका गुरु है, तो गुरु के घर में राहु की भूमिका न्यूट्रल हो जाती है और वहां सूर्य भी है, तो सूर्य के साथ सारे ग्रह डायल्यूट हो जाते हैं, बुध आदित्य भी बन रहा है, तो 20 मई के बाद से जो स्थितियां होंगी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी और यह देश के लिए एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आत्मविश्वास के साथ काम करेंगे और हम चीजों को नियंत्रण करने में सफल रहेंगे। वही जो मिथुन का मंगल है, वो मिथुन का मंगल द्वितीय भाव में आ गया जो देश की स्थिति को ठीक करेगा, आर्थिक स्थिति भी ठीक करेगा, जितनी दिख रहे विकट परिस्थितियां उसको भी कंट्रोल करेगा। वही आपका कुंभ का बृहस्पति दशम भाव में बैठ करके देश की दिशा और दशा दोनों बदल देगा। भाग्य स्थान में शनि है मकर का, तो जो हर संकट को उबारने में आपको अच्छा मिलेगा। और वही सिंह राशि का चंद्रमा है, तो सिंह राशि का चंद्रमा भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो देखा जाए तो सारी चीजें लाइन अप हो जाएंगी, सब पटरी पर आ जाएगा और सब 20 मई की बात की स्थिति एकदम कंट्रोल में आ जाएगी। ये जो मैं देख पा रहा हूं ज्योतिषी गणना के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं जी। बहुत बहुत अच्छी जानकारी, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारा, हमारे जो हमारा जो फेसबुक आईडी है उस पर लाइव भी चल रहा, बहुत सारे लोग इस समय लाइव देख रहे हैं। अगर कोई साथी हमारे जो जो दो ज्योतिषी जो बहुत देश के जाने माने ज्योतिषी हैं, डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी और संतोष कुमार मंगल जी, अगर इस कोविड को लेकर के आपका कोई सवाल हो तो सीधे आप हमारे मैसेंजर में जो कमेंट बॉक्स है उसमें डालेंगे और मैं आपके सवाल का जवाब, आपका सवाल इन दोनों लोगों में से पूछूंगा और उसका जवाब आपको डायरेक्ट लाइव मिलेगा। तो संतोष जी, वैसे आपको ये जो हम जो डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी से मैंने जो सवाल लिया था कि 1919 में जो स्पेनिश फ्लू आया था उसके 100 साल बाद ये भारत में इस तरह का एक फ्लू आया, ये भी फ्लू ही है, पहले लोग कहते थे बहुत, हम लोग जब बुजुर्ग लोग कहते थे कि हैजा आ गया, प्लेग आ गया, बट फ्लू का समय आ गया है। 1919 में फ्लू आया, उस समय हमारे जो चिकित्सा संसाधन थे वो भी इतने मजबूत नहीं थे, आज की तारीख में हमारे देश के चिकित्सा संसाधन काफी मजबूत है, पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद जो हेल्थ सिस्टम है वो भारत का सबसे अच्छा है माना जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग इलाज कराने के लिए भारत में आते हैं। हार्ट का ऑपरेशन, आप लोगों को बता दूं कि हार्ट का ऑपरेशन कराने के लिए बहुत सारी कंट्री, यूरोप कंट्री के लोग यहाँ भारत में आते हैं, तो हमारा जो हेल्थ सिस्टम है काफी आज की तारीख में मजबूत हो चला है। अब हम ये जानना कि आखिर ये 100 साल बाद, अचानक ठीक 100 साल बाद ये क्यों आया संतोष जी? ये जैसे पंडित जी बता रहे थे कि कुछ ना कुछ खगोलीय परिवर्तन होते रहते हैं और उसके प्रभाव से ही ये सारी घटनाएं घटित होती है। 2020 में 2019 में जो दो सूर्य ग्रहण की स्थिति बनी, उसके बाद से चंद्र ग्रहण की स्थिति बनी, तो ये कहीं ना कहीं ये जो भौगोलिक घटनाएं थी ये कहीं ना कहीं प्रकृति में जो है उसका प्रभाव तो पड़ना ही था, तो उस प्रभाव के कारण भी हो सकता है कि ये इस तरह की महामारी जो है क्रिएट हुई। दूसरी बात की दोबारा क्यों हुआ, दोबारा ये एक बार होने के बाद से फिर दोबारा जो स्थिति, संतोष जी मैं बीच में रोकूंगा आपको, सवाल एक और बीच में ले लूं कि संतोष जी देखिए दोबारा तो आया ही आया, अभी वैज्ञानिक इस बात बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इसकी तीसरी लहर भी आ सकती है, चौथी लहर भी आ सकती है, तो ऐसा क्यों हो रहा है जी? ये ग्रहों के प्रभाव से ही हो रहा है ऐसा, ऐसा जो ग्रहों की स्थिति बन रही है बार बार, उस स्थिति के कारण ही हो रहा है। अभी 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 जो शुरुआत हुई है, अभी जैसे वृष लग्न की कुंडली है भारत की, तो एक तो लग्नेश अस्त हो गया, दूसरा जो है मंगल और राहु का योग बन गया, अंगार योग बन गया लग्न में, तीसरे जो कारक ग्रह हैं सब कहीं ना कहीं जो है खराब स्थिति में आ गए, जो लग्न के कारक ग्रह हैं या पंचमेश है वो नीच का हो गया, तो इस वजह से ये चीजें और आगे बढ़ गई, पुनः दोबारा जो है प्रकट हो गई। अब जैसे जैसे ग्रहों की स्थिति मजबूत होगी फिर ये चीजें समाप्त हो जाएंगी,
और इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये दोबारा भी हो सकता है, लेकिन फिर ये ग्रहों के ऊपर, ग्रहों की स्थिति के ऊपर ही डिपेंड करेगा। लेकिन इतना तो लग रहा है कि मई के बाद से, मई के लास्ट वीक से जो है हम लोग राहत में आ जाएंगे, और अभी मई 5 मई के बाद जब शुक्र का लग्न में प्रवेश होगा तो उससे ही हमको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, मैंने देखिए जी जो 1919 में जो जी अरविंद जी, मैंने देखिए जी, मैंने भी 1 मई 1919 की कुंडली बनाई है जी, उस समय की जो ग्रह स्थिति थी, सिंह लग्न की कुंडली थी, सिंह लग्न है और वृश्चिक का राहु है, वृष का केतु है दशम भाव में, और मेष राशि का शुक्र है और आठवें भाव में चंद्रमा मंगल सूर्य बुध है। तो उस समय चंद्रमा मंगल सूर्य बुध की युति जो अष्टम में होता है, यह हेल्थ के लिए और देश के जो स्वास्थ्य को लेकर के जो बीमारियां होती हैं उसके लिए वो समय ठीक नहीं था, जिसके कारण इस तरह की बीमारी फैली थी। तो वह 1 अप्रैल 1919 का मैंने बनाया। तो जो कर्क राशि का जो शनि 12वें बैठता है, जब जब वो आता है, करीब आता है 99 साल बाद आता है। अच्छा, तो जब 99 साल बाद आता है तो इस तरह की विषाणु जनित बीमारियां फैलती हैं और उसे तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं, और अपने राशि से चंद्रमा से ये छठे हो गया जो रोग और शत्रु का कारक होता है, तो इसमें रोग और शत्रु बढ़ते हैं। और अष्टम में चंद्रमा के साथ मंगल, तो चंद्रमा मंगल एक तो कुंडली में जो अष्टम भाव में हो गया तो इसको कहते हैं कि मारक भाव भूमिका में आ गया, और शनि अपने घर से हो गया छठे। तो यह उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो विषाणु जनित बीमारी फैली थी वह बहुत ही खतरनाक था, उस तरह की स्थिति इस बार भी बन रही है जो करीब 103 साल बाद आ रहा है। तो जो उस समय की ग्रह स्थिति थी बहुत ही खराब थी, जिसके नाते इस तरह की बीमारियां फैली। लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण चीज क्या था, मिथुन का गुरु एकादश भाव में बैठ करके सब चीजों को कंट्रोल किया, वह स्थिति इस समय ठीक अगर आप देखा जाए तो इस समय जो ग्रहों की स्थिति है, कुंभ का गुरु हो गया और आपका मकर का शनि हो गया और वृष राशि का सूर्य बुध शुक्र, 4 ग्रह उस समय भी युति थी और इस समय चंद्रमा मंगल सूर्य, तो 2 पापग्रह की उस समय भी युति थी और इस समय भी 2 शुभग्रह की युति थी। तो जब भी इस तरह की युतियां बनती हैं तो ये काफी भयानक स्थिति उत्पन्न करता है। तो कहते हैं कि जब ग्रहों का, जैसे 1 ग्रह का फल अलग होता है, 2 ग्रह का फल अलग होता है, उसी तरीके से 3 ग्रह का कॉम्बिनेशन हो उसका फल अलग होता है, कई बार 5 ग्रह का होता है, कई बार 6 ग्रह का कॉम्बिनेशन, 7-7 ग्रह का कॉम्बिनेशन देखा गया है। तो ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन वो बड़ा इफेक्टिव होता है। तो उस समय भी 4 ग्रहों का कॉम्बिनेशन था, इस समय भी 4 ग्रहों का कॉम्बिनेशन था, और 1 साल में 2 चंद्र ग्रहण 2 सूर्य ग्रहण 4 ग्रहण लगे थे, जो भी प्रकृति के लिए ठीक नहीं था। मैंने बल्कि न्यूज नेशन में बोला भी था कि नवंबर के बाद विषाणु जनित बीमारी फैलेगी, वह काफी हाईलाइट हुआ था, लेकिन लोगों को यकीन नहीं था कि सब चीजें होगी। मैंने आपको फोन भी किया था, वो आपका प्रोग्राम मैंने देखा था, आप पहले ही इसकी बात आपने कही थी विषाणु जनित बीमारी फैलेगी, बल्कि उसमें कुछ सो कॉल्ड नास्तिक लोगों ने वहां समोसा खाया, तरबूजे खाए और ज्योतिष का बड़ा मजाक उड़ाया, वैज्ञानिकों ने बड़ा मजाक उड़ाया, और वही वैज्ञानिक जो अपने घर में कोई भी काम करना होता, अगर इनके यहाँ जैसे मुंडन संस्कार हो, विवाह संस्कार हो, या कोई भी संस्कार हो, बगैर ज्योतिष की सलाह के, बगैर मुहूर्त के कार्य नहीं करते, लेकिन ऑन रिकॉर्ड जब आते हैं तो वो ज्योतिष की बहुत बुराई करते हैं। लेकिन ज्योतिष को बुरा है नहीं बताते, कहते हैं गलत है नहीं बताते कि क्यों बुरा है, लेकिन सारे ऑफ रिकॉर्ड काम करते हैं। और वो लोग खासतौर से बड़ी सर्वनाक वो लोग विरोध करते हैं जो हाथ में पन्ना माड़ी के नीलम सारे स्टोन धारण किए रहते हैं, और वो विरोध करते हैं ज्योतिष के। ये बात मेरे समझ में नहीं आती, या तो विरोध करिए या तो करिए। ज्योतिष तो विज्ञान को मानता है लेकिन विज्ञान ज्योतिष को नहीं मानता। मैं ये कहता हूं कि विज्ञान में इतना दम नहीं है कि प्रेडिक्शन कर दे, लेकिन ज्योतिष में इतना दम है कि प्रेडिक्शन कर सकता है। तो यह सब मानने की बात है, और ये जो भी स्थितियां आप देख रही हैं देवकी जी, यह सब ग्रहों के कारण है। और आप देखिएगा 20 मई की बात अचानक चीजें ग्राफ एकदम कंट्रोल में आ जाएगा और लगेगा ही नहीं कि देश में कोरोना आया था, लेकिन यह है कि इसके पहले जो चीजें हो रही है लोगों के साथ, और बड़ा मतलब काफी बेकार समय चल रहा है जो लोगों के लिए, काफी इस समय लोग भयाक्रांत है, भय के साए में जी रहे हैं, यह भी एक प्राकृतिक प्रलय भी इस दिन कट जाएगा। तो इसमें धैर्य रखने की जरूरत है, पॉजिटिव सोचने की जरूरत है, आत्मबल रखने की जरूरत है, ये सब चीज ये भी दिन कट जाएगा, ईश्वर में भरोसा रखने की जरूरत है। जी जी संतोष जी जी, मैं पंडित जी ये पूछना चाहता हूँ कि 1919 वाली कुंडली में भी काल सर्प योग बना था क्या उस समय जब आपने बनाया है? मंगल जी देखिए संतोष जी, काल सर्प
दोस्त मैं मानता ही नहीं, क्योंकि काल सर्व के बारे में मेरा मानना नहीं है, या तत्काल लोगों ने सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर ने किया, मैं काल सर्व को मानता ही नहीं, ठीक है ना। तो काल सर्व पर कोई चर्चा मैं नहीं करना चाहता जी। अब इसमें ये जो कुंडली बनी है, ये बनी है आप 1 अप्रैल 1919 का मैंने बनाया है, यह सिंह लग्न की कुंडली बनी है, वृश्चिक का राहु है और आपका मीन अष्टम भाव में मीन का चंद्रमा मंगल सूर्य बुध है और मेष राशि का नवम भाव में शुक्र है, वृष राशि का केतु है, मिथुन का गुरु है एकादश में और शनि है कर्क राशि का, ये कुंडली की स्थिति है। और उस समय जो था पंचांग में आपका प्रतिपदा नक्षत्र था, रेवती नक्षत्र का तीसरा चरण था, इंद्र योग था, वह करण था, ये सब मैंने बनाया है जी। अब बताइए आगे क्या जानना चाहते हैं। अभी अभी अरविंद जी मैं जी देखिए जी जी संतोष जी आप सवाल पूछ ले जी। जी मैं उस समय के वृष लग्न के हिसाब से ये देखना चाह रहा था कि क्या स्थिति थी, बस और कोई बात नहीं जी। ठीक है जी जी। तो अरविंद जी अभी चूंकि हम लोग फेसबुक लाइव पर भी हैं, ये फेसबुक पर लाइव जा रहा है तो बहुत कई सवाल आ रहे हैं, उसमें से एक सवाल अरविंद जी आया है जो जिसका जवाब आप ही देंगे कि गुरु जी क्या ये कोई षड्यंत्र है? नहीं नहीं, देखिए खड्यंत्र नहीं, देखिए कहते हैं कि आपने कई बार देखा होगा कि आपकी अगर इम्यून सिस्टम अच्छा है तो आप बीमार नहीं पड़ते, जैसे मौसम चेंज होता है तो आपको सर्दी जुकाम हो जाती है, वही आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है तो आपको सर्दी जुकाम नहीं होता। तो कई बार कहते हैं कि ग्रहों के कॉम्बिनेशन में 12 ग्रह हैं, अपने घरों में रोटेट करते रहते हैं, इस समय ग्रहों की स्थिति थोड़ी कमजोर होने के नाते हम इसके चपेटे में आ गए, या कोई खड्यंत्र नहीं है, या ग्रहों की स्थिति के नाते हो रहा है जी, ये सब कंट्रोल हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। संतोष जी इसमें आज की तारीख में अगर आप देखें तो जो जितने ग्रह हैं उनमें से कौन सा ग्रह जो सबसे कमजोर है जिसकी वजह से असर पड़ रहा है? देखिए भैया अभी अभी तो सबसे कमजोर ग्रह जो है शुक्र ही अस्त चल रहा था, जो लग्न का कारक है वही अस्त चल रहा था, शुक्र ही अभी प्रभावशाली नहीं है, तो सबसे कमजोर तो शुक्र है इस समय, और उसके बाद से बुध की स्थिति तो ठीक है, बुध तो अच्छी स्थिति में है, लेकिन शुक्र के मजबूत होने के साथ ही साथ हम सुधार की स्थिति भी बनेगी, तो शुक्र काफी कमजोर दिखाई दे रहा। अच्छा देखिए देखिए जी, जो ये कुंडली बन रही है ना आज की डेट में, तो इसमें सूर्य मेष राशि में परमोच्च का है, परमोच्च का मेष राशि का सूर्य है, साथ में शुक्र है, तो जब कोई भी ग्रह सूर्य के साथ होता है तो अस्त हो जाता है, उसकी जो इंटेंसिटी होती है, जो कार्य करने की क्षमता होती है वो घट जाती है। दूसरी बात कि वृष राशि का राहु है, कहते हैं वृष राशि के राहु को तमाम ज्योतिष मनीषियों ने उच्च का माना, साथ में बुध है, तो चूंकि शुक्र के घर में है, दैत्य गुरु शुक्र राहु का गुरु भी है, तो राहु बहुत अच्छा फल देता है, दूसरे भाव में मारक की भूमिका में होता है तो वह विषाण जनित तमाम तरह के गुप्त रोग, गुप्त शत्रु, अज्ञात शत्रु ये सब बढ़ाता है जो मारक की भूमिका में होती है, तो यह राहु की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण, मतलब बहुत ही खराब है ये रोग व्याधि को बढ़ाने में, बुध यहाँ बहुत अच्छा नहीं मानते। इस समय क्या अरविंद जी राहु मारक की भूमिका में चल रहा है क्या? कहा जाता है राहु मारक की भूमिका में, राहु जिसका मजबूत हो बहुत आगे जाता है, और क्या इसमें राहु मारक की भूमिका में चल रहा है? वो मंगल के साथ जो अंगारक योग बना दिया वो मारक की भूमिका में हो गया, अब उसकी अवधि खत्म हो रही है, तो आज जो बुध चेंज हुआ है तो इससे आप देखेंगे कि धीरे धीरे पता चलेगा, अभी सामने भी आएगा कि कोरोना का लहर कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो जाएगा, ये 15-20 दिनों में काफी कम हो जाएगा और कंट्रोल में आ जाएगा। और जो मिथुन का मंगल है यह बहुत अच्छा नहीं है, तीसरे का मंगल जब होता है तो बहुत अच्छा नहीं मानते, लेकिन एक ही शत्रुहंता योग बनाते हैं, इसमें धनु राशि का चंद्रमा है, चंद्रमा भाग्य स्थान में कोई भी ग्रह भाग्य स्थान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता तो अच्छा है, इसमें जो शनि है वो मकर का है, अपने घर का है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, कुंभ का गुरु उतना अच्छा नहीं मानते, चूंकि मकर शनि की राशि पर बृहस्पति नीच का मानते हैं, तो बृहस्पति भी बहुत अच्छा नहीं है जिसके नाते सुधार हो, ये है ग्रहों की पोजिशन। बहुत अच्छी चर्चा आज हुई इस कोरोना के जो ज्योतिषीय क्या प्रभाव है, कौन से ग्रहों का कितना प्रभाव इस पर पड़ रहा है जो कोरोना को लेकर के, और कोविड किस तरीके से खत्म होगा
इस पर आप लोगों ने बहुत अच्छी जानकारी दी। डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय निकाला, और संतोष कुमार मंगल जी धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार नमस्कार जी। इस मुद्दे पर 5 तारीख को, चूंकि 5 तारीख को शुक्र में परिवर्तन हो रहा है, शुक्र ग्रह भी अपना स्थान बदल रहे हैं, तो हम लोग एक बार फिर 5 तारीख को इन विषयों पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद 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 देवकी जी। प्रणाम प्रणाम। पब्लिक न्यूज डेस्क, देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए पब्लिक न्यूज के साथ।